बातचीत की, आपने कहा कि यू नो सक्सेस के लिए विजुलाइजेशन करना जरूरी है, तो आपकी लाइफ में आपने विजुलाइजेशन भी किया और आपने कहा कि धैर्य भी जरूरी है, तो जो टफ टाइम था आपकी जिंदगी में रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पे तस्तरी में आपको सजा के कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो वो टफ टाइम आपने कैसे फेस किया? सर एक कहानी के तौर पर अपना जवाब देना चाहूंगी। प्लीज। एक बार एक हिरनी थी, माँ बनने वाली थी, डिलीवरी टाइम आ गया था और उसने एक नदी किनारे एक घनी सी घास देखी और सोचा यहाँ बैठ जाती हूँ, यहाँ पे डिलीवरी करूंगी, पानी भी है पीने के लिए और घास भी है तो थोड़ा टाइम कट जाएगा। तो उसने एक ढंग की जगह पैच को सेलेक्ट किया और बैठ गई। लेबर पेन होने लगे थे। अचानक से क्या हुआ, सामने से एक शिकारी आ रहा था तीर लेकर के, घबरा गई। दूसरी तरफ थोड़ी मुड़ी तो वहाँ पे एक शेर खड़ा था खाने के लिए। बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, नदी में बाढ़ आ रही थी, हर तरफ से जिसको कहो प्रॉब्लम थी और बस लग रहा था खेल खत्म होने वाला है। क्या करती, उसने सोचा उसको अभी क्या करना चाहिए, उसका फोकस अभी किस चीज पे होना चाहिए, फोकस उसका होना चाहिए उसको बच्चा पैदा करना है, तो उसको प्रेशर लेना है, उसको जोर लगाना है, उसको बेबी की डिलीवरी करनी है। तो उसी घास पर शांति से लेट गई और जो काम उसको करना था उस समय वो करना शुरू किया। तो क्या हुआ, बिजली चमकी, बिजली जिस समय शिकारी तीर चला रहा था, बिजली उस शिकारी के ऊपर गिरी, उसका तीर पलटा, वो जाके शेर को लगा और बारिश थम गई, दोनों आपस में मर गए। मेरा ही मानना है जब भी प्रॉब्लम आए ना, तब हमें उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करके जो आपको करना चाहिए, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, उस पे फोकस कीजिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो आप करने के लिए बने हो उस पे फोकस करो। कोई है जो इन प्रॉब्लम्स की टेक केयर कर लेगा? राइट। अगर हम प्रॉब्लम की टेक केयर करेंगे तो फिर काम कौन करेगा? मतलब चेक नहीं आ रहा है तो बेसिक्स करते रहो। बेसिक्स करो, सक्सेस से बड़ा कोई आंसर नहीं है। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया में भी हर एक चीज का जवाब सक्सेस बन सकता है। कंट्रोल वो हमारे कंट्रोल में है, तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल। मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, मेरे कंट्रोल में नहीं था, पर उनकी वो रॉयल शाही तरीके से 13 साल भी पैरालाइज रहे, तो वो शाही तरीके से रहे, वो मेरे कंट्रोल में। आपको पता है जब उनकी डेथ हुई तो मैं मेरी सासू माँ के पास गई। बहुत बहुत कठिन वक्त था मेरे लिए। मैं मेरी सासू माँ के पास गई, मैंने कहा माँ मैं इनके ना बाजे गाजे के साथ अंतिम यात्रा निकालना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ बोली कि नहीं बेटा, अपने यहाँ जो पर दादा पर नानी बनते हैं ना, पर लगकर के जो मतलब उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे हो, उन्हीं के लिए बैंड बाजे बजते हैं। मैंने कहा माँ आपका बच्चा था तो छोटा, पर जिंदगी तो बहुत बड़ी जी के गया है, प्लीज बजाने दो ना। एंड शी सेड यस टू इट। हमने बाजे गाजे के साथ, सर मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, उस समय मेरे कंट्रोल में क्या था, उस समय मेरे कंट्रोल में था कि आज अरुण जी इस बात का डेमो दिखा के जा रहे हैं कि पैसिव इनकम जरूरी है। क्या मैं इस बात को चुप रहने दूं, इस बात को खो जाने दूं या इस बात को बड़ा कर दूं? मैं मेरी सासू माँ के पास गई, मम्मा मैं कैमरामैन बुलाना चाहती हूँ। अच्छा। बेटा अपने आप नहीं फोटो खींचते। मैंने कहा माँ वो जो बच्चा करके गया आपका, उसको बड़ा करने के लिए चाहिए मुझे। एंड शी सेड यस टू इट। मेरे कंट्रोल में क्या था उस समय, मैं एक लेडी की तरह कर क्या सकती थी? कुछ भी नहीं, सिवाय रोने के, सिवाय लाचार बेबस महसूस करने के। और सिर्फ जो मेरे कंट्रोल में था उसको बेहतर कर लिया तो क्या हुआ, उससे परिस्थितियां और खराब हो जाती हैं। उससे परिस्थितियां और खराब होती, अब लोगों ने देखा जो अरुण जी की जो भी जिंदगी का मकसद था, वो मकसद हम और बड़ा कर पाए ना। आज उनकी अंतिम यात्रा निकली, नंगे पैर सैकड़ों लोग उसके आगे पीछे चले, पता चला ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में शान से जिया जा सकता है, तो शान से मरा भी जा सकता है, शान से जाया भी जा सकता है। तो सर मैं हमेशा कंट्रोल द कंट्रोलेबल में बिलीव करती हूँ। इट गिव्स, इतनी प्यारी नींद आती है, इतना सुकून है, और ना सफलता का फिर कोई अंत नहीं है, हर दिन एक सफलता है। मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं बहुत सफल होकर यहाँ से जा रही हूँ। जी जी, ये तो हमारी सफलता है। मैं इतनी बड़ी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी में आपको मानता हूँ और लीजेंड है आप,